Good morning, guys. Hope you are doing well. I am Atul Jain from Intellisys Investment and Trading. I am here to make you understand weekly performance sheet of Intellisys, जहां पर अमित सर, who is SEBI registered analyst, जो रोज आते हैं, रोज YouTube में लाइव आते हैं और मार्केट के बारे में अपडेट देते हैं, मार्केट के बारे में रिसर्च देते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि पैसों से कैसा पैसा बनाया जाता है। तो गाइज, आप लोग पब्लिक टेलीग्राम में रोज देखते होंगे, रोज 11:30 बजे मार्केट बंद होने के बाद दूध का आप दूध पानी का पानी में शीट आपको डिलीवर होती है, जिसमें पूरे कॉल्स के बारे में लिखा होता है। लॉस होता है तो लॉस की एंट्री लेते हैं, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट की एंट्री लेते हैं। उसके बाद एक वीकली आपको एक शीट मिलती है जिसमें पूरे वीक का पक्का चिट्ठा होता है, जिसमें अमित सर जो है वो पूरा डिटेल बताते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, किस सेगमेंट में काम करवाया, कितने एग्जीक्यूट हुए कॉल, कितने में प्रॉफिट की एंट्री ली, कितने में लॉस की एंट्री ली। और उसके बाद एक महीने में एक बार एक महीने का पूरा रिपोर्ट डलता है गाइस, जिसमें पूरा डिटेल आता है कि एक महीने में हमारी परफॉर्मेंस शीट में हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से, एंड अगेन आज नहीं, अब मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते आपको ऐसे ही आपको मैं वीकली का परफॉर्मेंस शीट के बारे में पूरा डिटेल वीडियो के माध्यम से आके बताऊंगा गाइस। सो मैं एक बार अपना ओपन करता हूँ शीट और आपको मैं बताता हूँ कि अमित सर ने कौन कौन चीज में एक्टिवेट कराए थे कॉल्स और उसका कितना प्लस हुआ, कितना माइनस हुआ हमारी परफॉर्मेंस शीट में गाइस। सो एक मिनट मुझे दीजिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। आई एम श्योर। सो अगेन, इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग का मंत्र है गाइस, 0% स्पेकुलेशन, 0% लेवरेज, 0% ओवर ट्रेडिंग गाइस। तो अगर मैं बात करूं, ये शीट में मैं आपको 5 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में कितने कॉल एग्जीक्यूट हुए, कितने कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुए, उसका पूरा पक्का चिट्ठा मैं यहां पर ओपन करूंगा गाइस। तो जो लोग यूट्यूब को देख के फॉलो करते हैं, जिनका कम कैपिटल है, मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलूंगा गाइस, यूट्यूब चैनल को फॉलो करो और अपने कैपिटल को धीरे 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 बढ़ाना चालू करो गाइस। तो अमित सर ने जो यूट्यूब में कॉल दिए हैं, इक्विटी में जो कॉल दिए हैं, 5 जुलाई को जो कॉल दिए थे उसमें 3,847 रुपए का ऑफकोर्स निगेटिव बैलेंस था, माइनस लॉस हुआ था। यूट्यूब में MCX में जो भी कॉल्स, जो भी रिसर्च अमित सर ने दिए थे, कोई भी कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुए थे। इंडेक्स में कोई कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुए थे। इंडेक्स ऑप्शन में कोई भी कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुए थे। करेंसी में कोई भी कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुए थे। और प्रीमियम जो सर्विस लेते हैं, जो पेड क्लाइंट है, उनको जो रिसर्च मिला था उसमें जिसने भी काम इस कॉल के अकॉर्डिंगली काम किए होंगे, उन्होंने 20,000 रुपीज प्लस किया होगा अपनी परफॉर्मेंस शीट में, अगर वो परफॉर्मेंस शीट के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अगर ऐसे ही मैं 6 जुलाई की बात करूं, YouTube में -7,382 रुपीज का माइनस में लॉस बुक हुआ था। YouTube कॉल में MCX में कोई कॉल जनरेट नहीं हुआ था। इंडेक्स में 2100 रुपए का प्रॉफिट हुआ था 6 जुलाई। इंडेक्स ऑप्शन में कोई कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। करेंसी में -3,000 रुपीज हुआ था। व्हाट्सएप पे जो लोग प्रीमियम सर्विस लेते हैं उनको 18,662 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा गाइस। 7 जुलाई को यूट्यूब कॉल में -4,408 रुपए का लॉस हुआ था। MCX में जिसने भी काम किया होगा यूट्यूब देख के, उसने 6,180 रुपए बनाया होगा गाइस। इंडेक्स में कोई कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुए थे। इंडेक्स ऑप्शन में कोई कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुए थे। करेंसी में भी कोई भी कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुए थे। जिसने पेड सर्विस ली थी व्हाट्सएप में, उन्होंने 2,250 रुपए का प्रॉफिट किया होगा गाइस 7 जुलाई को। तो अगर मैं बात करूं, 7 जुलाई में इक्विटी में 4,408 का लॉस था, MCX में 6,180 का प्रॉफिट था, व्हाट्सएप पेड सर्विस में 2,250 रुपए का प्रॉफिट था। अगर मैं इसको प्लस माइनस करके एक टोटल ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूं तो 7 जुलाई को 4,022 रुपए का प्रॉफिट हुआ था गाइस। 8 जुलाई को इक्विटी के कॉल्स में 10,687 रुपए का प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल देख के अपनी पोजीशन बनाई होगी, आई एम श्योर उन्होंने 10,687 रुपीज बनाया होगा गाइस।
एमसीएक्स में 6000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, इंडेक्स में कोई भी कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुआ था 8 जुलाई को, इंडेक्स ऑप्शन में 5250 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, करेंसी में 3200 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। व्हाट्सएप में पेड सर्विस में ऑफकोर्स वो दिन अच्छा नहीं था, -6260 रुपए का लॉस था। और अगर मैं पूरा डिटेल बात करूं यूट्यूब कॉल एंड प्राइवेट कॉल, इसको टोटल ग्रॉस प्रॉफिट की बात करूं 8 जुलाई में 18887 रुपए का प्रॉफिट हुआ था गाइस। 9 जुलाई को 12316 रुपए का यूट्यूब चैनल, जिसने भी यूट्यूब चैनल देख के काम किया होगा 12316 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। एमसीएक्स में कोई भी कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुए थे, इंडेक्स में उस दिन शायद भारी मार पड़ी थी, -24250 रुपए हमारी परफॉर्मेंस शीट में हमने लॉस की भी एंट्री ली। इंडेक्स ऑप्शन में कोई कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुए थे, करेंसी में कोई भी कॉल एग्जीक्यूट नहीं हुए थे, व्हाट्सएप कॉल में 14830 रुपए का प्रॉफिट की परफॉर्मेंस शीट में एंट्री है। अगर मैं बात करूं टोटल इसको 14830 रुपए व्हाट्सएप कॉल में जो सर्विस मिली थी, इक्विटी में 12316 का प्रॉफिट बुकिंग का एंट्री परफॉर्मेंस शीट में है और इंडेक्स में -24250 का माइनस की एंट्री है, तो हमारा दिन उतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल परफॉर्मेंस शीट में 2896 रुपए प्लस में थे गाइस। तो अगर मैं बात करूं जो लोग यूट्यूब चैनल को देख के भी काम करते हैं, जिसका मार्जिन कम है, जिसका कैपिटल कम है, अगर गाइस आप यूट्यूब चैनल भी, मैं प्रमोट नहीं करता, मैं बोलता हूँ यूट्यूब चैनल को देख के भी अगर आप काम करोगे ना गाइस, तो ऑलमोस्ट 19000 रुपए का आपने प्रॉफिट किया होगा। तो छोटी कैपिटल वालों, आपको पेड सर्विस लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप रोज शाम को इक्विटी का एनएससी कैश का जो एक वीडियो अपलोड होता है और एमसीएक्स में लाइव अमित सर आते हैं, उसको देखो, उसको देख के अपना फंड एलोकेट करो, फंड एलोकेट कर उस हिसाब से भी करोगे तो आई एम श्योर आप बहुत पैसा बना लोगे गाइस, है ना। और इस वीक परफॉर्मेंस में मैंने अगर बात करूं तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट 5 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग की परफॉर्मेंस शीट में जो हमने पूरा पक्का चिट्ठा एड प्लस माइनस करके किया है, स्टिल 52328 रुपए का प्रॉफिट है गाइस। देखो आपको दिख रहा होगा ग्रीन में कि 52300, ये तो 52000 रुपए बहुत छोटा सा अमाउंट है, काफी बार मैंने देखा है 1.5-1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए हफ्ते में प्रॉफिट की ग्रीन में यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखेगा, ग्रॉस प्रॉफिट दिखेगा। सो प्राइवेट में जिन लोगों ने काम किया होगा, पेड सर्विस जिसने ली होगी, उसको 32782 रुपए प्लस 19000 रुपए, ये 7366 और 12180 रुपए, क्योंकि यूट्यूब में की कॉल भी प्राइवेट में भी ऐड होते हैं गाइस, तो ऑफकोर्स 52328 रुपए बनाए होंगे। तो आज मैंने आपसे बात करी वीकली इंटेलिसिस के कॉल्स और उसके एग्जीक्यूशन के बारे में, और उसका दूध का दूध पानी के बारे में, उसके पूरे एग्जीक्यूशन के बारे में मैंने बात करी। अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ गाइस, आर यू मेकिंग मनी? और अगर पैसा नहीं बना रहे हो, इंटेलिसिस को अगर फॉलो कर रहे हो और फॉलो करने के बाद अगर आप पैसा नहीं बना रहे हो, तो आपके लिए गाइस ये क्वेश्चन मार्क है कि आप अपने फंड को एलोकेट सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बिकॉज आई एम श्योर अगर आप अमित सर के जो भी कॉल आते हैं उसके हिसाब से भी अगर आप काम करोगे, तो आई एम श्योर कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, लॉस होगा तो लॉस की एंट्री लेंगे, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है माइनस में काफी जगह 6 जुलाई को 7 जुलाई को इक्विटी में और करेंसी में, तो लॉस की भी एंट्री हम लेंगे, बट स्टिल हफ्ते में लास्ट में अगर हम देखेंगे, फंड एलोकेट प्रॉपर करेंगे, स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, लेवरेजिंग नहीं करेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो शायद आपकी परफॉर्मेंस शीट में भी, आपके कॉल एग्जीक्यूशन में भी, जैसा इंटेलिसिस के माध्यम से हमने यहाँ पर दिखाया है, आप भी अपना कर सकते हैं गाइस। तो गाइस फॉलो करिए, है ना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 52328 रुपए है जो ग्रीन दिखा रहा है, ये 52328 रुपए टोटल ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है गाइस। जब हम इसको अपने कॉल ट्रैकर में देखेंगे, आप लोग अगर कॉल ट्रैकर में देखेंगे, तो इसमें 40% का डिडक्शन भी होगा गाइस, है ना। कुछ क्लरिकल मिस्टेक होगा, कुछ टैक्सेस का इशू होगा, जो भी अगर कुछ इशू होगा,
तो हम बाय डिफॉल्ट इस 52,000 में से ऑन एन एवरेज 38-40% माइनस करके ही एंट्री लेते हैं, है ना। सो अगर कुछ क्लरिकल मिस्टेक होगा तो उसको भी माइनस किया जाएगा, उसके बाद ही परफॉर्मेंस शीट का एग्जैक्ट अमाउंट को कॉल ट्रैकर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सो आई एम श्योर इससे आपको लर्निंग मिली होगी। अगेन अगले हफ्ते फिर मिलूंगा, नए वीक के बारे में बात करूंगा, नए परफॉर्मेंस शीट के नए वीक में प्रॉफिट और लॉस का लेखा जोखा फिर से मैं डिस्कस करूंगा गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड वीकेंड एंड थैंक यू सो मच गाइस।